नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बक्सर जिले के पर्यटन स्थलों के बारे में। दोस्तों, आज हम बिहार में पर्यटन स्थलों को जानने की कड़ी में बक्सर जिला चलेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश सीमा के किनारे भारत के पूर्वी राज्य बिहार का एक ऐतिहासिक शहर है, जो प्रसिद्ध बक्सर की लड़ाई और चौसा की लड़ाई के लिए जाना जाता है। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के मुंशे और मुगल नवाबों के बीच लड़ी गई थी, लेकिन इस लड़ाई में ब्रिटिश सेना का पलड़ा भारी रहा और नवाबों को हार का मुंह देखना पड़ा था। इस खास वीडियो में जानिए कि पर्यटन के लिहाज से बक्सर आपके लिए कितना खास है। हम आपको बताएंगे यहां के चुनिंदा सबसे खास स्थानों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कटौली के मैदान के बारे में। आपने इतिहास पढ़ा होगा, इसके साथ ही इतिहास में बक्सर की लड़ाई के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। और आपको ये तो मालूम है कि यह लड़ाई बक्सर में हुई थी, पर आपको शायद ये नहीं पता कि इस कटौली में मैदान में ये लड़ी गई थी। आपको बता दें कि बक्सर की लड़ाई 1764 में अंग्रेजों और बंगाल अवध के नवाब के बीच लड़ी गई थी, जिसमें मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने नवाबों का साथ दिया था, लेकिन इस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई थी। यहाँ जीत के प्रतीक के रूप में ब्रिटिश द्वारा एक स्मारक भी बनाई गई थी, जो अंग्रेजों की जीत की याद दिलाती है। कटौली का मैदान बक्सर के सबसे खास स्थानों में गिना जाता है। ऐतिहासिक शहर बक्सर के भ्रमण के लिए निकला सैलानी यहाँ जरूर आता है। अगर आप बक्सर जाएं तो इस खास स्थान की सैर करना ना भूलें। दूसरा, हम बात करेंगे बक्सर के किला के बारे में। बक्सर के किले के बारे में ज्यादा जानने को तो नहीं मिलता, मगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो इसका जिक्र अवश्य मिलेगा। ऐतिहासिक धरोहर में से एक है बक्सर का किला, जिसका निर्माण बिहार के राजा भोजदेव ने 1111 ईस्वी में करवाया था। यह एक विशालकाय किला है। इस किले के मैदान पर जनसभाओं और जिला स्तर पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अगर आपके इतिहास में दिलचस्पी है तो आप यहां जरूर आए। हालांकि किले के कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, परंतु अभी भी बहुत से भाग देखने लायक है। तीसरा है सीताराम उपाध्याय म्यूजियम। सीताराम उपाध्याय म्यूजियम का निर्माण 1979 में किया गया था। यह काफी पुराना म्यूजियम है, लेकिन ऐतिहासिक वर्णन को बयान करने और समझने के योगदान देने के लिए दृष्टिकोण से बिल्कुल आधुनिक है। इसमें आपको पुरातात्विक अवशेष, सिक्के व पांडुलिपियां देखने को मिल जाएंगी। मौर्य काल के टेराकोटा मिट्टी की मूर्तियों की मूर्तियां भी आप देख सकते हैं। बिहार के इतिहास और बक्सर की लड़ाई को समझने में यह म्यूजियम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि एक बात ध्यान जरूर रखें कि सोमवार के दिन यह बंद रहता है, इसके अतिरिक्त आप इसे कभी भी देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे बिहारी जी का मंदिर के बारे में। डुमराव स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूर शहर के बीचों बीच स्थित बिहारी जी का मंदिर स्थित है, जो राजगढ़ प्रांगण की शान है, जिसे बांके बिहारी का मंदिर के नाम से भी लोग जानते हैं। डुमराव के तत्कालीन महाराजा जयप्रकाश सिंह के आदेश पर 1825 में बना यह बिहारी जी का मंदिर बक्सर में सबसे प्रतिष्ठित स्थानों में से एक था। भगवान कृष्ण को समर्पित इस मंदिर में बिहार के विभिन्न हिस्सों से भक्तजन अपने पवित्र प्रार्थना को लेकर यहाँ आते थे। यहाँ 5 खंड है, जश्न चबूतरा, वजम गाह, सभा मंडप, ठाकुर बाड़ी और बैकुंठ। इस मंदिर की एक खास विशेषता यह है कि मंदिर के निर्माण में अधिकांश हिस्से में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। इसके खंभे की लकड़ी की है। लोग बताते हैं कि जिले में क्या प्रदेश में कहीं भी इतने ऊंचे खंभे किसी मंदिर में नहीं है। 5वां है नौलखा मंदिर। बक्सर जिले का नौलखा मंदिर अपने नाम की तरह काफी खूबसूरत और आकर्षक है। मंदिर की वास्तुकला बेहद खूबसूरत है, जो थोड़ा दक्षिण भारतीय मंदिरों का स्मरण कराती है। मंदिर का ऊपरी भाग खूबसूरत मूर्तियों से सजाया गया है, जहां आप शानदार वास्तुशिल्प मिश्रण देख सकते हैं। मंदिर के अंदर हिंदू देवी देवताओं के चित्र मौजूद है। मंदिरों में चारों तरफ बने ये चित्र आंतरिक भाग को खूबसूरत बनाने का काम करते हैं। यह एक हिंदू मंदिर है, जिसके दर्शन करने के लिए न सिर्फ श्रद्धालु आते हैं, बल्कि पर्यटकों को भी आना जाना यहां लगा रहता है। 6ठा है ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर में स्थित ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर की एक अपनी अद्भुत कहानी है। आपने कई चमत्कारी मंदिरों के बारे में सुना होगा, और उन्हीं में से एक यह मंदिर है। कहा जाता है कि एक बार मोहम्मद गजनवी ब्रह्मपुर में इस मंदिर को तोड़ने आया था, तो लोगों ने उससे अनुरोध किया कि वो इसे ना तोड़े, क्योंकि ऐसा करने पर बाबा तुम्हारा विनाश कर देंगे। गजनवी ने कहा कि वो इस सब को नहीं मानता, लेकिन अगर इस मंदिर में इतनी शक्ति है और रात भर में इसका प्रवेश द्वार पश्चिम की तरफ हो जाएगा तो वो इसे छोड़ देगा। अगले दिन जब वो मंदिर को तोड़ने आया तो यह देखकर दंग रह गया कि मंदिर का द्वार पश्चिम की तरफ हो चुका था। इसके बाद वो वहां से लौट कर चला गया। पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना ब्रह्मा जी ने खुद की थी। यह मंदिर
मंदिर के बारे में जानकारी अनेक पुराणों में जरूर मिलती है। शिव महापुराण की रुद्र संहिता में इस शिवलिंग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। यही कारण है कि इसे मनोकामना महादेव के नाम से भी जानते हैं। उपरोक्त स्थानों के अलावा बक्सर में और भी कई देखने योग्य स्थान है। यहाँ गंगा की घाटी में प्राचीन कांस्य के बने अवशेष पाए गए थे, जिनमें से 18 जैन ब्रॉन्ज शामिल है। इसके अलावा आप यहाँ पंचकोशी परिक्रमा के दर्शन कर सकते हैं। यह एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, यहाँ दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं। चौसा का युद्ध का मैदान देख सकते हैं, जहाँ 26 जून 1539 मुगल साम्राज्य को शिकस्त देकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा जमाने वाले अफगानी शासक शेर शाह ने महज एक घंटे के युद्ध में मुगल शहंशाह हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए उफनती गंगा नदी में कूदकर भागने पर मजबूर कर दिया था। बक्सर में एक अनूठे मेले का भी आयोजन होता है, जहाँ 5 दिन में 5 कोस दूरी तय कर 5 अलग स्थानों पर पड़ाव डाले जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक स्थान पर रात्रि विश्राम कर अलग प्रकार के 5 व्यंजन ग्रहण करने की परंपरा है। कहा जाता है कि जब श्री राम जी विश्वामित्र ऋषि के आग्रह पर बक्सर आए थे तो बहुत ऋषियों से नहीं मिल पाए थे, इसलिए उन्होंने बाद में 5 दिनों की यात्रा कर 5 ऋषियों से मिलकर उनका ऋषियों आशीर्वाद लिया था। वहीं उन्होंने ऋषियों द्वारा श्री राम के स्वागत में जिन भोज्य पदार्थों को खिलाया गया था उसी का अनुसरण करते हुए आज भी 5 स्थान पर प्रसाद का वितरण होता है। पंचकोस के 5 पड़ाव है। पहला बक्सर से 1 कोस की दूरी पर स्थित अहिरौली नामक गाँव में अहिल्या माता के मंदिर के इर्द गिर्द डाला जाता है, जहाँ मान्यताओं के अनुसार गौतम ऋषि का आश्रम था। यहाँ श्रद्धालु रात्रि विश्राम कर पुआ पकवान खाते हैं। अगले दिन अहिरौली से 1 कोस की दूरी पर मौजूद नंदाव गांव स्थित नारद पोखरा के पास पड़ाव डालते हैं, जहाँ खिचड़ी और चोखा खाने की परंपरा है। तीसरे दिन श्रद्धालु यहाँ से भभुअर गांव के लिए रवाना होते हैं, जहाँ भार्गव ऋषि का आश्रम था। यह भार्गवेश्वर महादेव का एक सुंदर मंदिर भी मौजूद है, जहाँ चूड़ा और दही खाने की परंपरा है। चौथे दिन यहाँ से पुनः 1 कोस की दूरी पर बड़का नौवा गांव में पड़ाव होता है, जहाँ आज भी अंजनी पोखरा मौजूद है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ अद्यालक ऋषि का आश्रम था और यहाँ श्रद्धालुओं द्वारा सत्तू के साथ मूली सेवन करने की परंपरा है। पांचवें दिन सबसे अंतिम पड़ाव नगर के मध्य स्थित चरित्र वन में होता है, जहां पंचकोशी मेला मुख्य रूप से यही लगता है, जहां बिहार का प्रसिद्ध लिट्टी चोखा खाने की परंपरा है। पंचकोश यात्रा के आखिरी दिन बक्सर में अनेक जिलों के अलावा पड़ोसी राज्य में लाखों लोग इस अद्भुत मेले में शिरकत करते हैं। बिहार के पर्यटन स्थलों में आज हमने आपको बक्सर जिले के पर्यटन स्थानों के बारे में बताया। अगले वीडियोस में हम आपको बिहार के अन्य जिलों के पर्यटन स्थलों के बारे में भी जरूर बताएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल बिहारी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा कोई भी अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। इसके साथ ही अगर आप कभी इस जिले में आए हैं या आप इस जिले के रहने वाले हैं तो यहाँ के सबसे मशहूर स्थल के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।